बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम किसान दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी ज़ुबान में रखे। आज के ताज़ा तरीन अजनास रेट अपडेट के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, अजनास की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, तो मैं तफसीली ये वीडियो होगी जिसमें तमाम शहरों की तमाम अजनास के रेट अपडेट आप दोस्तों तक पहुँचाई जाएंगी, तो वीडियो को पूरा देखना है आपने। सरसों से हम स्टार्ट करते हैं। सरसों के आज के रेट बुरेवाला में 7,200 रुपये तक नोट किए जा रहे हैं। फोर्ट अब्बास के आज के रेट 7,500 रुपये तक। हारूनाबाद के रेट 7,500 रुपये तक। फ़कीर वाली में आज सरसों के रेट 7,750 रुपये तक नोट किए जा रहे हैं। भावल नगर के रेट्स 7,400 रुपये तक नोट किए जा रहे हैं। भावलपुर में आज के रेट 7,300 रुपये 40 किलोग्राम सरसों के रेट्स। भावलपुर 7,300, यजमान मंडी 7,000 रुपये। इसके अलावा मियाँ चन्नू में 7,000 फी 40 किलोग्राम। मियाँ चन्नू 7,000 फी 40 किलोग्राम। खानेवाल के रेट्स 6,900 रुपये। भावलपुर 7,300 रुपये। जामपुर 7,300 रुपये। तो सरसों के मार्केट में मजमूई तौर पर आज जो है इससे अहकाम नोट किया जा रहा है। रेट में कोई ज़्यादा रद्दोबदल हमें नज़र नहीं आ रहा और ये पिछले जो है कुछ दिनों से जारी है। इसके अलावा सरसों के चीचावतनी के जो रेट्स हैं वो 7,000 रुपये, खानपुर 7,300 रुपये, फतेहपुर 6,800 रुपये, विहाड़ी 7,000 रुपये, डेजी खान 6,600 रुपये, चौक मुंडा 7,100 रुपये, साहिवाल 7,000 रुपये, कहरोड़ पक्का 7,000 रुपये, अलीपुर 7,500, उकाड़ा 7,400, लियाकतपुर 7,400, जबकि सिंध में सरसों के रेट 7,000 की सतह तक मौजूद हैं। तो कोई कीमतों में ज़्यादा रद्दोबदल नहीं है। सूरजमुखी के हवाले से बात करें तो मार्केट में ज़बरदस्त आज तेज़ी नोट की जा रही है। 400 से 500 रुपये का इजाफा मार्केट में। सूरजमुखी में आज हासिलपुर के जो रेट्स हैं वो 7,001 रुपये तक पहुँच चुके हैं। भावलपुर में रेट 6,600 रुपये तक मौजूद हैं। खानेवाल 5,800 रुपये, फतेहपुर 6,450 रुपये, डीजी खान 6,000, विहाड़ी 6,000, चौक मुंडा 6,500 रुपये, कहरोड़ पक्का 6,200 रुपये, जबकि अलीपुर में भी रेट्स 6,200 की सतह तक मौजूद हैं। तो ओवरऑल सूरजमुखी की मार्केट में ज़बरदस्त किस्म का इजाफा तकरीबन 400 से 500 का। तिल और तिली के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में आज के रेट्स 18,000 रुपये की सतह तक मौजूद हैं, जबकि नई तिल जो मार्केट में आई है उसके नई के रेट्स 16,200 रुपये फी 40 किलोग्राम की सतह तक मौजूद हैं। कायनात या 1509 के हवाले से बात करें तो आज भावनगर में उसके रेट्स 5,800 रुपये तक रहे। उकाड़ा मंडी में 5,500 रुपये तक, जबकि न्यू कायनात 1509 के जो रेट्स हैं वो भावलनगर में 4,900 और पाकपतन में 5,100 रुपये तक नोट किए जा रहे हैं। बाजरा के हवाले से बात कर लेते हैं। बाजरा की मार्केट आज मुल्तान में 3,550, फैसलाबाद 3,575 रुपये, सरगोदा 3,575 रुपये, लाहौर 3,600 रुपये, जबकि रावलपिंडी में रेट्स 3,700 रुपये तक नोट किए जा रहे हैं। मूंग और मूंगी के हवाले से बात कर लेते हैं। फैसलाबाद में मूंग के रेट्स 6,800 रुपये, सरगोदा में 6,700 रुपये, जबकि हैदराबाद में मूंग और मूंगी के रेट्स जो हैं वो 6,550 रुपये तक नोट किए जा रहे हैं। कपास के हवाले से बात करें, कपास की मार्केट में आज जो है 300 रुपये की कमी की है कराची काटन एसोसिएशन ने, और उसके स्पॉट रेट्स जो हैं 19,900 रुपये से कम होकर 19,600 रुपये तक आ गए हैं। सिंध में आज कपास के ज़्यादा से ज़्यादा रेट्स 9,000 रुपये तक नोट किए जा रहे हैं। नई कपास के सिंध में नई कपास के रेट्स में थोड़ी सी आज कमी नोट की जा रही है। बलूचिस्तान में जो रेट्स हैं वो 9,500 रुपये। पंजाब में जो नई कपास है उसके रेट्स हारूनाबाद में 9,378 रुपये, हासिलपुर में 10,733 रुपये, जबकि लोधरा में 10,100 रुपये तक नोट किए जा रहे हैं। जबकि पंजाब में जो पुरानी कपास है उसके रेट्स हारूनाबाद में 9,100 रुपये, भावलपुर में 8,300 रुपये, जबकि हासिलपुर में 9,500 रुपये की सतह तक मौजूद हैं। दोस्तों, बात करते हैं गंदम के हवाले से।
गंदम की जो मार्केट है आज इस्लामाबाद में 4750 रुपए के साथ, जबकि कराची में गंदम के जो रेट्स हैं वो 4720 रुपए तक मौजूद हैं। इसके अलावा गंदम के रेट्स पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज कुछ इस तरह से थे, 4350 फोटाबास, यजमान मंडी 4410 रुपए, रहीम यार खान में 4525 रुपए, सादिकाबाद में 4470 रुपए, साहिवाल में 4500 रुपए, हारूनाबाद में 4425 रुपए तक, मियाँ चन्नू 4500 रुपए तक, चीचावतनी 4400 रुपए तक, पाकपतन 4300 रुपए तक, कहरोड़ पक्का 4300 रुपए तक, फैसलाबाद 4400 रुपए, खानेवाल 4450 रुपए, खानपुर 4475 रुपए, पत्तों की 4400 रुपए, अलीपुर 4450 रुपए, बहावल नगर 4450 रुपए, बहावलपुर 4400 रुपए, फतेहपुर 4480 रुपए, डीजी खान 4500 रुपए, जामपुर 4400 रुपए, डोंगा बोंगा 4400 रुपए, लोधरा 4250 रुपए, विहाड़ी में 4400 रुपए, चौक मुंडा 4550 रुपए, जबकि कमालिया में 4350 रुपए। तो ओवरऑल गंदम की मार्केट जो है वो बेहतर है पंजाब में 4550 रुपए तक, इस्लामाबाद रावलपिंडी में 4700 रुपए तक, कराची 4720 रुपए तक, जबकि पंजाब की मार्केट में मजमूई तौर पर 100 रुपए की कमी आई है। मार्केट 4650 रुपए तक पहुंच गई थी पंजाब में, लेकिन अब थोड़ी सी मार्केट कम हुई है। आरिफ मकई के हवाले से जो है वो काश्तकार जो है आजकल बड़ा सीज़न अरूज पे है, तो मकई के हवाले से आपको बताते चलें कि आरिफ वाला में ज़्यादा से ज़्यादा रेट्स 2495 रुपए जो 12 मॉइस्चर के रेट्स हैं, पाकपतन शरीफ में जो 12 से 13 मॉइस्चर है उसके ज़्यादा से ज़्यादा रेट्स 2575 रुपए, उकाड़ा मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा रेट्स 2645 रुपए, जबकि गोजरा मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा रेट 2508 रुपए तक नोट किए जा रहे हैं। इसी तरीके से मिल्स के हवाले से बात करें तो हाई टेक मिल के जो रेट्स हैं वो 2500 रुपए, नेशनल फीड्स 2180 रुपए, रफान फीड्स 2225 रुपए, रॉयल फीड 2200 रुपए, जो फील्ड के रेट्स हैं वो भी 2200 से ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो है मकई की मार्केट में ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी देखी जा रही है। बाकी चौधरी फीड मिल और दूसरी फीड मिलों ने भी आज रेट्स में इजाफ़ा कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है किसान ने जो एक इत्तेहाद किया था कि मकई फरोख्त नहीं करनी, वो कामयाब होता नज़र आ रहा है और रेट्स मकई के दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। तो ये आज के हवाले से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।